Hello, my dear students. Today I am going to learn chapter 7, following the Mahatma part 1. Yani ki it means Mahatma ke mark par iska part 1. Okay, so now let's start the chapter. Firstly, I will read the chapter, then I will explain it. Okay, the person whom we recognize as Bapu, father of the nation, and Mahatma is none other than the greatest human ever, Mohandas Karamchand Gandhi. He went to South Africa to practice law after acquiring the degree of a barrister. The whites and established their supremacy over black natives of South Africa. Compared to the whites, the Indians enjoyed very few rights. Gandhiji protested against this insult and injustice. He discovered the path of truth and non-violence to fight against the injustice which he called the Satyagraha. एक जो व्यक्ति थे जिनको हम बापू के नाम से पहचानते हैं, उनको राष्ट्रपिता और महात्मा के रूप में भी हम जानते हैं. वह महान पुरुष कौन थे? वो थे मोहनदास करमचंद गांधी. मोहनदास जी बैरिस्टर की उन्होंने पढ़ाई की. उसके बाद वो उन्होंने वहां से उसकी डिग्री हासिल करने के बाद ही वकालत करने के लिए कहां चले गए? दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका की साइड. दक्षिण साउथ अफ्रीका में जो वहां के रहने वाले लोग थे, वो क्या करते थे? वो गुलाम बनकर गोरे लोग इस समृद्ध देश के मालिक बन गए थे. जब दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों को वहां के लोगों ने क्या किया, जो दक्षिण साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उनको उन्होंने गुलाम बना दिया था. किसने? गोरे लोगों ने. और वो खुद मालिक बन गए थे. गोरे लोगों, जो व्हाइट लोग थे, उनकी तुलना में यहाँ भारतीयों को बहुत कम अधिकार का उपयोग करने को मिलता था. जो व्हाइट थे, गोरे लोग थे, उनको ज्यादा अधिकार प्राप्त थे, और जो इंडियंस थे उनको कम अधिकार राइट्स मिलते थे. इस अन्याय का अपमान को गांधी जी ने चुनौती दी कि ये जो अन्याय हम नहीं सहेंगे. उन्होंने इंसल्ट और इनजस्टिस था उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया और एक चुनौती दे दी. उन्होंने अपने प्रति होने वाले अन्याय के सामने सत्य और अहिंसा से लड़ने की एक अनोखी शुरुआत की, और जो गांधी जी ने खोजा और उसका नाम क्या दिया? सत्याग्रह. का इस आंदोलन को सत्याग्रह का नाम दिया गया, जो कि अगेंस्ट में था व्हाइट लोगों के, और जो इनजस्टिस हो रहा था, जो अन्याय हो रहा था, उसका विद्रोह करने के लिए, जिसको हम लोग सत्याग्रह का उन्होंने नाम दिया और हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं. ठीक है. गांधी जी वेंट टू सी द डरबन कोर्ट. द जज ऑर्डर्ड हिम टू रिमूव द पगड़ी टर्बन ऑन हेड. गांधी जी प्रीफर टू लीव द कोर्ट देन टू रिमूव द टर्बन फ्रॉम हिज हेड. दैट्स हाउ ही अनहेल्प्ड हिज सेल्फ रिस्पेक्ट. ही वाज अप्रिशिएटेड एंड अप्लॉडेड बाय द इंडियंस देयर फॉर दिस. गांधी जी ने डरबन कोर्ट देखने गए. वहां न्यायाधीशों ने उन्हें पगड़ी उतारने के लिए कहा. गांधी जी ने कोर्ट को छोड़ दिया, परंतु उन्होंने क्या कि जो उनके सर पे जो पगड़ी थी ना उतार कर अपने स्वाभिमान की उन्होंने रक्षा की थी. उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाई थी. उनका जो ये बिहेवियर था, वहां के जो रहने वाले जो लोग थे उनको अच्छा नहीं लगा. को अच्छा मतलब रहने वाले जो वहां के लोग थे, जो मतलब व्हाइट लोग थे, उनको अच्छा नहीं लगा. पर जो भारतीय लोग थे, जो इंडियंस थे, उनको इनका ये बिहेवियर बहुत अच्छा लगा. ठीक है. द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इनिशिएटेड इन साउथ अफ्रीका अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी. इंडियंस सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग द स्ट्रगल, बट दे नेवर रिस्पॉन्डेड विद द वायलेंस. एट द एंड द स्ट्रगल बिकेम सक्सेसफुल एंड पॉपुलर. अब साउथ अफ्रीका में गांधी जी के ने लीडरशिप में क्या हुआ? सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई. भारतीयों जो इंडियंस थे उनको बहुत ही उनको कष्ट सहने पर उन्होंने बहुत सारे सफर किए, स्ट्रगल किए, पर वे कहीं भी हिंसा को उन्होंने नहीं अपनाया. उन्होंने कहीं भी नॉन वायलेंस नहीं किया, उन्होंने नॉन वायलेंस के ही मार्ग को अपनाया. लास्ट में क्या होता है, उनको इसमें सक्सेस भी हो जाते हैं और इस आंदोलन पर ध्यान उनका चला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका फुल नेम. अब इसके बारे में आपको थिंग्स टू नो. फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी. डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1869. बर्थ प्लेस पोरबंदर. मदर पुतलीबाई. वाइफ कस्तूरबा. स्पिरिचुअल मेंटर श्रीमद राजचंद्र. पॉलिटिकल मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले.
autobiography, the story of my experiments with truth, that 30th January 1948, Samadhi, Rajghat, Delhi. ओके इस चीज आपको जानने लायक है, इसको आप लोग पॉइंट नोट करना, याद करना, ठीक है. नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ द नेशनल इंडिया कांग्रेस, डर्बन, साउथ अफ्रीका, 1895. अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो, कांग्रेस की स्थापना हुई थी डर्बन दक्षिण अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में कब, साउथ अफ्रीका में कब हुई थी, 1895 को. द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रेशियल डिक्रिमिनेशन, गांधी जी एंड अदर इंडियंस एस्टैब्लिश नटल इंडियन कांग्रेस इन 1895. कैन यू रिकॉग्नाइज गांधी जी इन दिस पिक्चर, द पर्सन स्टैंडिंग इन द सेंटर विद द कैप्स इन गांधी जी हिमसेल्फ. अब इसमें यह लिखा है कि 1895 में जो और जो इंडियंस थे उनके साथ गांधी जी ने जो उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन की जो भावना चल रही थी रंग को लेकर, गोरे और काले का भेद को लेकर, उसके लिए उन्होंने नाटल कांग्रेस स्पेश की स्थापना की. और आप जो यहाँ पे पिक्चर जो है उसमें आप देख के पहचान सकते हो कि गांधी जी कौन है. तो जो सबसे लास्ट वाली लाइन में खड़े हैं बीच में टाई पहनकर, वो कौन है, गांधी जी हैं, ठीक है. आफ्टर सक्सेसफुल सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 एट द एज ऑफ 46. गांधी जी हैड एक्वायर्ड इंटरनेशनल फेम एंड रिस्पेक्ट ड्यू टू हिज सक्सेस इन protesting against the racial discrimination in South Africa. He was given a grand welcome at the Apollo Port, Wellington Pier of Mumbai. Gopal Krishna Gokhale advised Gandhi ji to tour the whole of India in the first year to know the plight of Indians and understand what they needed. After touring the country, Gandhi ji established Satyagraha Ashram in Khochrab, Ahmedabad, गुजरात ऑन 25th May 1915. आफ्टर टू ईयर्स ही शिफ्टेड टू द साबरमती आश्रम अहमदाबाद ऑन द बैंक ऑफ द रिवर साबरमती. इन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया, उन्होंने सक्सेसफुल, ये इन्होंने जो सत्याग्रह का जो आंदोलन था उसको सक्सेसफुल 1915 से 46 वर्ष की उम्र में, जब वो 46 ईयर्स के थे, तो गांधी जी ने इसको सक्सेसफुल पूरा किया, सफल किया, और वो 46 की एज में वो इंडिया वापस लौट आए. फिर क्या हुआ बेटा, जो साउथ अफ्रीका था वहां पे रंगभेद की जो लड़ाई हुई थी कलर व्हाइट और ब्लैक को लेके, उसमें वो उनको बहुत सक्सेस, वहां उसमें काफी हद तक वो सक्सेस हुए. अब क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पर लोग इनका आदर करने लगे. मुंबई में जो अपोलो बंदरगाह जो है, जो पोर्ट है अपोलो, पर गांधी जी का उनका भव्य स्वागत किया गया था. गोपाल कृष्ण गोखले के कहने से गांधी जी ने पहले वर्ष में पूरे भारत का प्रवास करके लोगों की आवश्यकता और परिस्थिति को समझने का उन्होंने प्रयास भी किया था. और भ्रमण जब वो टूर पे जब गए थे गांधी जी, तो 25 मई 1950 के दिन वो अहमदाबाद के कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की उन्होंने स्थापना वहां पे भी स्टैब्लिश किया. सत्याग्रह आश्रम कहां, अहमदाबाद के कोचरब में, कब, 25 मई 1915 को. ओके, उसके पश्चात वन ईयर के बाद वे आश्रम को साबरमती नदी के किनारे लेके चले गए, ठीक है. नेक्स्ट है आपका चंपारण सत्याग्रह 1917. चंपारण वाज अ प्लेस इन बिहार नियर नेपाल इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय. इट वाज अ फेमस ऑफ प्लांटेशन. द यूरोपियन लैंडलॉर्ड्स फोर्स द फार्मर्स टू प्रोड्यूस इंडिगो ऑन 3/20 पोर्शन ऑफ दियर लैंड एंड सेल इट एट लोअर रेट ऑफ टू देम. ऑन द रिक्वेस्ट टू राजकुमार शुक्ला, गांधी जी डिसाइडेड टू अबाउट द इशू, बट बिफोर द इंक्वायरी कुड स्टार्ट ही वॉज गिवन द ऑर्डर बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफ चंपारण टू लीव द डिस्ट्रिक्ट विद द इमीडिएट इफेक्ट. गांधी जी इग्नोर दिस नोटिस. अब क्या इसमें क्या बेटा, चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था, इसमें ये जो था एक प्लेस था बिहार के पास चंपारण, जो कि बिहार में पड़ता है, ये हिमालय की जो तराई होती है ना, हिमालय के फुट हिल्स, वहां पे उसके नजदीक था, नजदीक में जो एक चंपारण क्षेत्र था जो कि फेमस, वहां पे बाग बगीचे थे उसके लिए, वो प्लांटेशन के लिए फेमस था, फेमस बाग बगीचों के लिए बहुत ही फेमस था चंपारण नाम की जो जगह थी बिहार में, जो नेपाल के बॉर्डर के पास पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये पूरे हिमालय की तलहटियों में है, तो इसलिए यहाँ पे जो बगान है बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही अच्छा है. चंपारण में यूरोपियन जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो किसान थे,
जमींदार थे उस जमीन के 3x20 भाग में नील की अनिवार्य रूप से बुवाई करवाते थे। वहां पर जो मतलब तीन भाग में तीन बटे तीन बाई थ्री बाई ट्वेंटी भाग में वो नील की जो खेती होती थी उसको मतलब उसकी बुनवाई वो करवाते थे। मतलब वो करना ही करना था, ये पूरा फिक्स था। और अगर उसके बाद क्या करता था, जब उनका जो प्रोडक्शन होता कम कीमत बेचने के लिए वो उसको मतलब फोर्सफुली उसको करते थे कि आप अपना जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको लोअर रेट पे सेल करो हमें। उनको इस तरह से वो पजल उस तरह से लोग उनको परेशान कर देते थे, मजबूर कर देते थे। एंड राजकुमार शुक्ल के उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस प्रश्न की जांच करने के लिए उन्होंने गांधी जी से निश्चय किया। उस समय जो राजकुमार शुक्ल थे उनके आग्रह से क्या हुआ, इस प्रश्न के बारे में गांधी जी से क्वेश्चन किया गया, उनसे पूछा जाएगा। परंतु क्या हुआ, जांच करे उसके पहले ही वहां के जो मजिस्ट्रेट थे इन्हें नोटिस देकर चंपारण जिला से उनको तत्काल उनको तुरंत वहां से छोड़ देने का उनको आदेश दे दिया वहां के मजिस्ट्रेट ने एक लेटर के थ्रू। गांधी जी ने इस नोटिस का अनादर कर दिया कि नहीं, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसको गांधी जी ने इग्नोर कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, गांधी जी प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर्स एंड प्रेसिडेंट इट बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। गांधी जी स्टेड इन मोतिहारी विलेज ऑफ चंपारण एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इनजस्टिस। अल्टीमेटली द चंपारण सत्याग्रह ऑल्सो नोन एज द इंडिगो सत्याग्रह कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ पीपल ऑल ओवर इंडिया। गांधी जी ने किसानों की परेशानियों को सरकार के सामने मैंने जो किसान जो समस्याएं थी जो प्रॉब्लम्स थी उसको गवर्नमेंट के सामने रखा। चंपारण के जो मोतिहारी गांव में रहकर गांधी जी ने इस जो ये प्रथा थी उसके सामने ये आंदोलन किया। लास्ट में क्या हुआ, सत्याग्रह यहां भी सफल हुआ। चंपारण के सत्याग्रह ने पूरे देश के लोगों का ध्यान आकर्षित कर दिया, लोग इससे क्या हो गया पूरे इंडियन अटेंशन कर दिया पूरे भारत के लोगों को सत्याग्रह की सफलता ने। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बेटा, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एक्सपीरियंस्ड फेमिन इन द ईयर 1917 द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज डिस्ट्रॉयड। स्टिल द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्टीड ऑफ वीविंग द टैक्स ट्राइड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम फार्मर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी द फार्मर्स स्टार्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। गांधी जी टोल्ड द फार्मर्स दैट दे वुड नॉट पे द टैक्स यूटिल द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दियर डिमांड्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्विट हिज प्रैक्टिस एज अ लॉयर एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट एंड ज्वाइन गांधी जी। गांधी जी रोट अ लेटर टू द कलेक्टर दैट इफ द टैक्स ऑफ पुअर फार्मर्स वॉज वेव देन द रिचर फार्मर्स वुड पे द रेगुलर टैक्स। एट द एंड द कलेक्टर पास्ड एन ऑर्डर फॉर द सेम इन द 1918 एंड द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था वो 1917 से 1918 एक साल के समय के बीच में हुआ था। 1917 में क्या हुआ था बेटा, खेड़ा का जो डिस्ट्रिक्ट था वो वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो जो वहां की जो सारी फसलें थी वो सब बर्बाद हो गई थी। इतना होने पर भी सरकार ने क्या किया, किसानों का कर माफ करने के बदले जमीन कर लेने का निश्चय कर लिया। फिर उन्होंने टैक्स बोला कि हम माफ नहीं करेंगे, उनको टैक्स भरना ही पड़ेगा, इसके लिए जमीन से इस टैक्स को पूरा करेंगे। तो इसकी लीडरशिप गांधी जी की लीडरशिप में क्या हुआ, किसानों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने सत्याग्रह शुरू कर दिया अपने अगेंस्ट में, अपने अपने वेलफेयर के लिए कि हमने उसके आगे में कि उन्होंने जो टैक्स मांगा तो वो कहां से पे करे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह शुरू कर दिया। किसके लीडरशिप में, गांधी जी की लीडरशिप में। गांधी जी ने क्या किया, किसानों से कहा कि सरकार जब तक जो गवर्नमेंट है जब तक हमारी मांग को स्वीकार नहीं करेगी तब तक हम नहीं इस टैक्स को नहीं भरेंगे। जो उनकी डिमांड्स थी मांग थी वो स्वीकार नहीं करे तो हम इस टैक्स को नहीं भरेंगे। तो गांधी जी के इस आह्वान पे मतलब गांधी जी के कहने पर लोगों ने क्या किया, उनको मान देते थे लोग, मान देते उन्होंने गांधी जी के उनको मान देते उनको सम्मान देते हुए वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ करके वो आंदोलन में शामिल हो गए। जो वल्लभ भाई पटेल थे वो भी गांधी जी का सम्मान करते थे, उन्होंने भी अपनी वकालत छोड़ दी और सत्याग्रह आंदोलन में वो शामिल हो गए। गांधी जी ने कमिश्नर को पत्र लिखा था, वहां पर लेटर लिखा उन्होंने और लिखकर बताया कि यदि कमजोर स्थिति वाले किसानों का जो मतलब जो पुअर किसान है जो गरीब किसान है उनका अगर टैक्स माफ कर दिया जाता है तो अच्छी स्थिति वाले जो किसान कर देंगे। अगर मान लो अगर जो मतलब जो पुअर है जो थोड़ा गरीब किसान है उनका टैक्स अगर माफ कर दिया जाता है जिनकी फसल खराब हुई है, और जिनकी फसल खराब नहीं हुई है जो किसान रिचेस्ट किसान है जो रिचेस्ट फार्मर है वो अपना टैक्स भर देंगे।
लास्ट में क्या हुआ, कमिश्नर ने ऐसा ही आदेश 1918 में दे दिया जिससे कि आंदोलन सफल हो गया, जो सत्याग्रह आंदोलन था वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। द खेड़ा सत्याग्रह डिड नॉट येल्ड मच रिजल्ट बट इट बिकेम इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच इट वॉज फाउट। द फार्मर्स बिकेम अवेयर फियरलेस एंड करेजियस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटकम वॉज दैट द नेशन एंड गांधी जी गॉट अ डिवोटेड द कमिटेड लीडर लाइक वल्लभ भाई पटेल। अब जो खेड़ा का जो सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था इसमें किसका रिजल्ट, खेड़ा का जो आंदोलन जिसके रिजल्ट की दृष्टि से अगर हम देखें, परिणाम की दृष्टि से तो नहीं परंतु सिद्धांत की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। इसका हम देखिए जैसे कि अगर हम चाहेंगे कि इसका रिजल्ट अच्छा है तो ऐसा नहीं हुआ, पर जो प्रिंसिपल्स के बेस पे हम देखें, सिद्धांत के बेस पे हम देखें तो ये सक्सेसफुल हुआ है। पर अगर हम सिर्फ केवल इसका जो रिजल्ट है उसकी दृष्टि से अगर हम सक्सेसफुल देखें तो हम सक्सेसफुल नहीं हुए। इसका प्रिंसिपल हमारा सक्सेसफुल हुआ, हमारा सिद्धांत सक्सेसफुल हुआ। किसानों में उनमें एक क्या हुई, एक फार्मर्स में अवेयरनेस आई, फियर और उनकी डर की भावना दूर हुई, उनको करेजियस है, उनको मैंने एक उनके अंदर करेजियस आया, उनके उत्सुकता आई कि और उनका डर दूर हो गया। गांधी जी और देश के जो वल्लभ भाई पटेल जैसे जो निष्ठावान और समर्पित साथी उनको मिल गए। इससे क्या हुआ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटकम्स वर द नेशनल गुरु गांधी जी थे जो कि बहुत ही निष्ठावान थे और बहुत ही अपने आप को अपने जीवन तक समर्पित करने को तैयार थे देश के प्रति, उनको एक ऐसी लीडरशिप, उनको एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिनकी लीडरशिप में उन्होंने इस आंदोलन को कंप्लीट किया। ओके, थिंक डिस्कस द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन चंपारण एंड खेड़ा सत्याग्रह। इसमें आपको डिस्कस करना है कि चंपारण और खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था उसके बीच में क्या सिमिलरिटीज थी, क्या समानता थी, या क्या डिसिमिलरिटीज थी, क्या असमानता थी, उसके बारे में हमें आपस में डिस्कशन करना है, ओके, चर्चा करनी है। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था बेटा, 1990 को, 1919, ओके। इंग्लैंड वाज विक्ट्रीज इन द वर्ल्ड वॉर, एट द सेम टाइम रॉलेट एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिशर्स टू कंट्रोल द पब्लिक अनरेस्ट एंड कंट्रोल द एंटी कोलोनियल एक्टिविटीज। द रॉयल एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज स्ट्रिक्टर कंट्रोल ऑन द प्रेस, अरेस्ट विदाउट वारंट एंड इंडिफिनाइट डिटेंशन इन जेल विदाउट ट्रायल। द अक्यूज्ड वर डिनाइड द राइट टू नो द अक्यूजर्स एंड द एविडेंस यूज्ड एट ट्रायल अगेंस्ट देम। दिस एक्ट वॉज कंप्लीट वायलेशन of the fundamental rights and freedom of expression and speech. Gandhi ji protested against this act, they called it the Black Act. अब रोलेट एक्ट जो है 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी। जब हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था इंग्लैंड में इसने विक्ट्री हासिल की थी। इस समय जो क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने रोलेट एक्ट की घोषणा कर दी थी। रोलेट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, किसी भी व्यक्ति के को कारण बताए बिना, अगर कोई रीजन नहीं बताता उसके बिना उसको गिरफ्तार, उसको अरेस्ट किया जा सकता है, बिना किसी रीजन के भी किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता था। और विशेष जो कोर्ट थी, जो स्पेशली जो कोर्ट थी उसमें मुकदमा चलाकर उसे सजा भी दी जा सकती थी, ऐसी व्यवस्था इस एक्ट में की गई थी। ये जो लॉ था वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगा रहा था। इससे ऐसा लग रहा था जो लोगों के जो राइट्स थे उस पर रोक लगाई जा रही थी। और पुलिस को आवश्यकता थी कि अधिक अधिकार प्राप्त हो, पुलिस ही चाहती थी उनको अधिक से अधिक, जितना से ज्यादा उनको राइट्स मिल रहा था उनको बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त हो रहे थे। इसके लिए यह कानून बनाया गया था कि लोग जो पुलिस वाले अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सके। लोगों ने इस कानून का विरोध किया क्योंकि ये कानून तो सच में ये कोई सही कानून तो नहीं था कि हाँ बिल्कुल अनफेथफुली कानून किया जा रहा है, अनफेथफुल था, अविश्वसनीय था और किसी के फायदे के लिए तो था नहीं, किसी को फायदा हो रहा है, तो सब लोगों ने इसका विरोध किया। तो गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा था, इसको हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। द रोलेट सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ द इंटायर नेशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बट इट वॉज लिमिटेड टू द बिग सिटीज ओनली। रैलीज वर organized at strike were called out to protest against this act.
throughout the country. The Britishers resorted to suppressions to curb this movement. रौलट सत्याग्रह ब्रिटिश शासन के सामने जो था, पूरे भारत का यह पहला संघर्ष था. पूरे इंडिया ने एक साथ मिलकर उसमें संघर्ष किया था, उसका उसने स्ट्रगल किया था. जबकि यह कानून अधिकतम जो शहरों तक ही सीमित था. जो ये लॉ बनाया गया था मोस्टली ये शहर जो सिटीज थे वहीं तक सीमित था, विलेजेस में नहीं गया था. जो ये देश में जो कानून बनाया गया था जो अपने कंट्री में, उसके विरोध में जुलूस भी निकाले गए थे, हड़ताल का भी स्ट्राइक भी लोगों ने शुरू किए, रैलियां निकाली, स्ट्राइक किया. सरकार ने जो गवर्नमेंट थी इस आंदोलन को असफल करने के लिए एक अपना दमनकारी कहेंगे एक दमनकारी मार्ग अपनाया, जिसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका जलियांवाला बाग. जलियांवाला बाग मैसकेयर मतलब जो हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना मैसकेयर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. मैसकेयर As a part of the protest against the Rowlatt Act, the people of Punjab announced a strike on 13 March and 6 April. जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना बेटा 1919 में, उसके बारे में है कि इसको आप देखना सुनना कितना, मतलब इसमें कितने लोग मारे गए थे. बहुत ही मैं क्या बताऊँ, इतना इमोशनल हो जाते हैं इस स्टोरी को पढ़ के हम लोग, चलिए फिर पढ़ते हैं हम लोग. As a part of the protest against the Rowlatt Act, the people of Punjab announced a strike on 13 March and 6 April 1909. The condition of Amritsar was almost out of the control, and looking at this, martial law was declared in Amritsar. A meeting was organized on 13 April in the Jallianwala Bagh to pay tribute to martyrs and also to protest against the arrest of Dr. Satyapal and Dr. Khichlu. Approximately 10,000 people had gathered in the meeting. General Dyer blocked the only exit of the bag and ordered firing at the unarmed people gathered there. The firing started without any prior notice or warning. There were high walls around it so people could not escape the constant firing. And it stopped only when the soldiers ran out of ammunition. As per the official record, 379 died and 1200 were injured, but in reality the casualties were much more than mentioned in the official reports. Gandhiji completely lost his faith in this British sense of justice and fairness. Rowlatt Act ke against me 30 March aur 6 April 1909 ke din Punjab mein logon ne strike kar diya. Amritsar ki jo situation thi wo niyantran ke bahar ho chuki thi. Aisa lagne par kya hua, Amritsar ki jo police force thi, जो वहां की जो सेना थी वो अपने आप को उसके मतलब वहां पे पूरे सपोर्ट के लिए आगे सुपुर्द कर दिए, पूरे सपोर्ट के लिए आगे. 13 अप्रैल को वैशाखी के दिन जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाले दी जाने वाली थी और अपने प्रियज नेतागण जैसे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एक सभा आयोजन की गई थी यहाँ पे जलियांवाले बाग में ही, जिसमें लगभग 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया था. 10,000 लोग इसमें इकट्ठे हुए थे. अब इस कॉन्फ्रेंस को शांत और निशस्त्र बैठे हुए लोगों ने जनरल डायर के ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाना शुरू की. यहाँ पे जो लोग बैठे थे एक कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, वो श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे थे और एक और जो जो डॉक्टर जो उनके नेता थे सत्यपाल और किचलू, उनको गिरफ्तारी के एक के लिए विरोध करने के लिए एक आपस में डिस्कशन करने के जमा. उनके यहाँ पास कोई हथियार नहीं थे, कुछ नहीं था. लगभग मोस्टली यहाँ पे 10,000 लोग थे, जिसपे क्या किया जनरल डायर ने बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उनपे गोली चलाना शुरू कर दिया. इस जगह पर आने जाने के लिए बस एक ही सकरा, बहुत छोटा सा रास्ता था, बस एक ही दरवाजा था. चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी जो जिससे हम एंट्री करते थे. एंट्री का जो गेट था, सैनिकों ने गोली चलाना शुरू कर, जो एंट्री गेट था वहीं से यह जो गोलियां समाप्त होने तक चलती रही. इतनी गोली चली ना बेटा कि सारे लोग मारे गए,
मतलब सोचो एक रास्ता, वो भी छोटा सा, वहीं से गोली फायरिंग की जा रही है, 10,000 लोग वहां पे हैं, तो अंदाजा लगा सकते कितने लोग वहां पे मारे गए होंगे। तो सबको गोली मार दी गई थी, और जो गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट तैयार की उसमें 379 लोगों की मृत्यु हुई दिखाई गई थी, बल्कि ऐसा नहीं था, तो गलत रिपोर्ट तैयार की गई थी, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे और 1200 लोग जो थे लगभग घायल हुए थे, गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, पर ऐसा नहीं हुआ था, बहुत लोग मारे, हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, परंतु वास्तव में क्या हुआ था, ये जो संख्या अधिक थी, जैसा कि मैंने बताया कि पर इसमें जो संख्या जो थी बहुत अधिक थी, ऐसा माना जाता है कि इस घटना में सब ब्रिटिश न्याय और निष्ठा में जरा भी विश्वास नहीं रहा। अब जो ब्रिटिशर्स ने जो ये जो फैसला किया था ना, उसने जब ये इवेंट किया, ये जो कांड किया, उसने इस तरह के जो जो रूल अपनाए ना कि सबको एक साथ उसने गोली जो चलवाई, उससे जो ब्रिटिशर्स के प्रति जो उनका फेथ था, उनका जो विश्वास था, वो सब खत्म हो गया। अब किसी भी भारतीय को इनके प्रति विश्वास नहीं रहा। जलियांवाला बाग पीपल आर्ट पॉइंट देखो पिक्चर में दिखाया जा रहा है, बहुत दर्दनाक सीन था ये, उस समय का तो हम लोग बस देखते हैं सुनते हैं, पर जिन लोगों ने इसको फेस किया होगा उनको किसका महसूस होता होगा। अब बेटा नाइटहुड, द अवार्ड गिवन बाय द किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड टू पर्सन फॉर एन आउटस्टैंडिंग सक्सेस ऑफ और पब्लिक वर्क और टैलेंट। ये जो नाइटहुड थे वो ब्रिटिश के राजा या रानी द्वारा किसी व्यक्ति को असाधारण व्यक्ति सफलता या लोक सेवा के लिए दिया जाने वाला एक सम्मान था। नाइटहुड का सम्मान किसको दिया जाता था, जो कि ब्रिटिश राजा या रानी के द्वारा दिया जाता था किसी व्यक्ति को असाधारण व्यक्तिगत सफलता पाने के लिए, मतलब जो बिलीव करने लायक ना उस पर उसने सफलता पा ली हो, या फिर किसी लोक सेवा के द्वारा उसने उसमें सम्मान पाया हो, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंस द किंग नाइटहुड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड के विरोध में कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने नाइटहुड का सम्मान लौटा दिया, ठीक है, उनको मतलब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, उन्होंने उसके सम्मान को लौटा दिया, क्योंकि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो हुआ था उसको देख के उनका हृदय बिल्कुल पिघल गया था, बहुत दुख हुआ था उनको, इसलिए उन्होंने जो सम्मान उनको मिला था ब्रिटिश के राजा के द्वारा उसको उन्होंने लौटा दिया। एफर्ट्स वर मेड टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम्स ड्यूरिंग द रॉयल सत्याग्रह। गांधी जी वॉन्टेड दैट द हिंदू एंड मुस्लिम शुड स्टैंड यूनाइटेड टू अटेन जस्टिस। रोलेट एक्ट सत्याग्रह के समय लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत करने का प्रयास किया था, उन्होंने बहुत कोशिश की हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ हो जाए। गांधी जी की इच्छा भी थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे के समर्थन दे, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट न रहे, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, उनका ये मानना था, और उस पर ही उन्होंने जोर भी दिया था कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करें और उनके सहयोग दें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आगे खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ था बेटा, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। आफ्टर अटेंडिंग विक्ट्री इन द वर्ल्ड वॉर आई द एलाइड नेशन सिग्न टेरिटरी विद तुर्की विच वॉज डिफीटेड, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस टेरिटरी वर स्ट्रिक्ट एंड अनजस्ट टू तुर्की। द सुल्तान ऑफ तुर्की वॉज द रिलीजियस हेड ऑफ इस्लाम टू, एज पर द treaty his khilafat post as khalifa was the terminated muslim all over the world including india launched protests in favor of the khalifa। This movement in india was known as the khilafat movement। The main leader of the khilafat movement were the ali brothers maulana saukat ali and maulana muhammad ali। Gandhi ji decided to supported the Khilafat movement and in turn joined the Muslim in protest against the Jallianwala Bagh massacre. His intention was to demand Swaraj with a combined power of the Hindu and Muslim communities. Khilafat Andolan mein kya hua tha, jab humara first world war hua tha usme जो इसके अगेंस्ट में जिन राज्यों ने विक्ट्री हासिल की थी, जो विक्ट्री देश नेशंस थे उसको के बाद क्या हुआ था, विक्ट्री में कि उन्होंने हासिल उसके बाद जो विजय जो मतलब विक्ट्री जो राज नेशंस थे उनको पराजित तुर्की के साथ
संधि किया उन्होंने, तुर्की जो थी वो पराजित हो गई थी युद्ध में, उसका उन्होंने संधि कर ली, जो नेशंस जो थे जो जीत गए थे उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इस संधि से क्या हुआ, ये जो टेरिटरी उन्होंने की तो इसमें क्या हुआ, ये जो इसमें इस संधि कर ली, इस संधि में जो शर्त रखी गई थी वो ये थी तुर्की के लिए कड़ी और अन्यायपूर्ण थी, तुर्की इसको फॉलो करने के लिए नहीं फॉलो नहीं करना चाहता था, जो शर्त रखी गई थी संधि के लिए जो कि बहुत ही कड़ी थी और उसके लिए अन्यायपूर्ण थी। तुर्की ने सुल्तान उस समय इस्लाम धर्म के खलीफा धर्म गुरु थे, उस समय जो तुर्की के सुल्तान थे वो इस्लाम धर्म के खलीफा थे, धर्म गुरु थे। इस टेरिटरी के अनुसार क्या हुआ, इस ट्रीटी के अनुसार जो संधि की गई ट्रीटी के अनुसार हुआ कि खलीफा पद रद्द कर दिया गया, मतलब खलीफा पद को एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको हटा दिया गया। इस टेरिटरी में विरोध करने के लिए भारत में जो आंदोलन हुआ उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली इस खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे। गांधी जी ने इन्हें समर्थन देते हुए कांग्रेस को आग्रह किया कि जो शौकत अली और मोहम्मद अली को उन्होंने समर्थन दिया और इनको समर्थन देते हुए कांग्रेस से आग्रह किया कि पंजाब में हुए जो अत्याचार और खिलाफत आंदोलन के बारे में विरोध करने के लिए मिलकर अभियान चलाना तथा स्वराज की मांग करना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या है बेटा, इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 गांधी जी सेड दैट द ब्रिटिश रूल कुड बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया ड्यू टू द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड इट रैन विद देयर सपोर्ट ओनली इफ द इंडियंस वुड withdraw their support and cooperation. The British rule would end within a year and Swaraj would be established. अपनी जिनकी ये फेमस बुक थी हिंद स्वराज 1919 में, जो गांधी जी ने कहा था कि अपनी बुक में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों को सहयोग से ही स्थापित हुआ था, कि इंडियंस ने उसमें सहयोग उनको उनको हेल्प की थी, इसलिए ब्रिटिश रूल यहाँ पे शुरू हुआ था और जो यह रूल था उनके सहयोग के कारण ही चल रहा था कि इंडियंस उनका सपोर्ट कर रहे हैं। यदि भारत के लोगों ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया तो 1 ईयर के अंदर ही क्या होगा, 1 साल के अंदर ही ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द सेम लाइन ऑफ थॉट्स। द टू मेन फीचर्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वर फर्स्ट वॉज द कंप्लीट बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट jobs, legislative council, government, educational institutions, British titles of honor, foreign clothes and goods. The other creative aspect included the eradication of untouchability, communalism and consumption of alcohol. He advocated the propagation of Swadeshi goods, khadi and national education alongside. अब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मीन्स असहयोग आंदोलन जो था, नॉन कोऑपरेशन आंदोलन को ही कहते हैं, नॉन कोऑपरेशन आंदोलन को उन्होंने गांधी जी ने विचार पर गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, गांधी जी ने नॉन वायलेंस आंदोलन शुरू किया जिसके मेनली टू रीजंस थे, दो फीचर्स थे। फर्स्ट था कि जो गवर्नमेंट मतलब उनको गवर्नमेंट जॉब मिले, विधानसभा सरकारी जो उसके बाद उसमें फर्स्ट वाज द कंप्लीट उनका जो पहला जो उनका पहलू था वो क्या था, वो ये था कि उनको गवर्नमेंट में जॉब मिले, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, गवर्नमेंट एजुकेशन उनको मिले, उसके इंस्टीट्यूशन की स्थापना हो, ब्रिटिश टाइटल्स ऑफ द ऑनर, फॉरेन क्लॉथ्स और गुड्स। ठीक है, इनका इनका जो पहला पहलू था कि पहले पहलू में था सरकारी नौकरियां मिले लोगों को, विधानसभाओं, सरकारी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हो, विदेशी कपड़े और माल का बहिष्कार हो, ठीक है, सबको लोग एक्सेप्ट ना करें। बट क्या हुआ था, जो रचनात्मक पहलू जो सेकंड पहलू था इसका, उसमें क्या होता है, जो खादी अस्पृश्यता के निवारण जो मतलब खादी जो कपड़े थे, सेकंड में उन्होंने ये कहा था कि जो सेकंड चीज है उसमें जो उनकी सोच थी जो छुआछूत की जो भावना थी, खादी कपड़ों का ही यूज हो, हिंदू मुस्लिम एकता इसके साथ रहे, शराबबंदी हो, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा का भी प्रचार प्रसार करना था, उनका मेन पर्पस ये था नॉन वायलेंस एक्ट का आंदोलन का। ठीक है, देन नेक्स्ट है, गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय रिटर्निंग द टाइटल ऑफ
केसर ए हिंद द मूवमेंट पिक अप द मॉन्यूमेंट्स सॉरी मोमेंटम इन 1921 to 22 स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल एंड कॉलेजेस मैनी लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू सी राजगोपालचरई एंड आसफ अली खान लेफ्ट दियर एडवोकेट की मोस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रिजाइन फ्रॉम दियर पोस्ट द फॉरेन क्लॉथ्स वर बर्न अक्रॉस द नेशन द चरखा द स्पिनिंग व्हील स्टार्टेड टेकिंग इट्स प्लेस इन एवरी होम स्वदेशी वॉज प्रोमोटेड एवरीवेयर मैनी नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक काशी विद्यापीठ बिहार विद्यापीठ जामिया मिलिया इस्लामिया गुजरात विद्यापीठ एक्सेट्रा वर एस्टेब्लिश्ड। अब गांधी जी ने नॉन वायलेंस आंदोलन जो शुरू किया था नॉन कॉम्प्रेशन जो उन्होंने मूवमेंट जो उन्होंने शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उनको टाइटल दिया गया उनको उसकी उपाधि से सम्मानित किया गया जब उन्होंने नॉन वायलेंस कॉम्प्रेशन की स्टार्ट की थी। तो असहयोग आंदोलन मीन 1921-22 में आंदोलन जो था जो वायलेंस जो था ये जो मूवमेंट जो हो रखा था वो अधिक तेजी से बढ़ने लगा उसकी बहुत ही तेजी से शुरुआत हुई। जो स्टूडेंट्स थे वो उन्होंने स्कूल से कॉलेज छोड़ दिए और जो मोतीलाल नेहरू थे सी राजगोपालचारी और जो आसफ अली खान जैसे जो अनेक जो वकील जो थे उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। मोस्टली जो लोग थे उन्होंने इसमें चुने हुए सदस्यों की विधानसभा और स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में से त्याग पत्र भी दे दिया था। जो लोग विधानसभा के सदस्य थे स्थानीय स्वराज के सदस्य थे उन्होंने भी इन संस्थाओं से अपना त्याग रिजाइन दे दिया था। कितने ही सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब में जो लोग थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। लोगों ने जगह जगह जो फॉरेन क्लॉथ्स थे विदेशी कपड़े थे उसको उन्होंने जलाना शुरू कर दिया और घर घर में चरखा चलाया जाने लगा जिससे कि स्वदेशी का जो प्रचार हुआ उसकी भावना लोगों के अंदर स्प्रेड हुई स्वदेशी की भावना फैली। काशी विद्यापीठ बिहार विद्यापीठ जामिया मिलिया इस्लामिया गुजरात विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय जो एजुकेशन जो विद्यापीठ है जो एजुकेशन संस्थाओं मतलब जो राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई। ठीक है देन आपका नेक्स्ट है महात्मा गांधी वाज अगेंस्ट अ वायलेंट मूवमेंट अ क्राउड ऑफ एंग्री फार्मर्स ऑफ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश अटैक चौरी चौरा पुलिस स्टेशन इन द ईयर 1992 बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड एट द crowd killing few and injuring many the people the police station was set ablaze and 22 policemen were burnt alive in the incident। महात्मा गांधी ने एक violent movement का विरोध किया था उन्होंने जो हिंसक आंदोलन था उसका विरोध किया था। बट 1992 में जब किसानों का एक समूह गोरखपुर जिले के चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन पर हमला करके आग लगा दिया था किसने किसानों के एक समूह ने गोरखपुर जिले में तो वहां पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी जिसमें कि 22 जो पुलिस वाले थे वो जिंदा ही जल गए थे। इस कारण से गांधी जी ने असहयोग जो नॉन वायलेंस कॉपरेशन था उसको अचानक ही उन्होंने स्थगित कर दिया उसको इंसिडेंटली उसको रद्द कर दिया। ठीक है